रमन सिंह जी, वो तो ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल बन गया है, और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, असम में बड़े एक्टिव थे, प्रियंका गांधी के बड़े विश्वस्त हो गए हैं, मॉडल के रूप में उभर रहे हैं। मॉडल कैसा है मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों को छत्तीसगढ़ मैंने सोचा है कि लेके आना चाहिए। मॉडल ये कि जिस जन घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि हम पहले दिन एक हाथ में गीता और एक हाथ में गंगा जल लेके इन्होंने कसम खाया था कि पूर्ण शराबबंदी कर देंगे, आज शराब की नदियां बह रही, घर पहुंच सेवा, आप फोन करिए और घर में शराब पहुंच जाएगा, ये स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई। नवयुवकों के साथ छल किया, नवयुवकों को कहा कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, रोजगार के अवसर देंगे, एक भी नवयुवक को 10 लाख की छोड़िए 10 नवयुवकों को भी बेरोजगारी भत्ता का पैसा आज तक नहीं मिला। सबसे बड़ा छल महिलाओं के साथ किया, महिलाओं से उन्होंने कहा कि उनके लिए जो स्व सहायता समूह है उनके कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। किसानों के साथ सबसे बड़ा छल किया, 2 साल का बोनस देने की बात कही थी और वो 2 साल का बोनस आज तक नहीं मिला। और ये 3 साल उत्तर प्रदेश में जिसकी चर्चा होनी चाहिए, रेत माफिया, कोल माफिया, आज ये पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में माफिया राज है। खुलेआम होटल और पानठेला में मालूम है कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ में लैंड माफिया, लीकर माफिया, कोल माफिया। रमन साहब, वो तो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो तो यूपी जाकर वोट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें वोट दीजिए, हम आपको विकास देंगे, मॉडल देखिए छत्तीसगढ़ का। भूपेश का रिकॉर्ड ये है, जहां जहां गया बंठा धार करके आया, अमेठी गया था पूरी तरीके से हरा के आया, असम गया पूरी तरीके से सरकार बनने वाली थी पूरी तरीके से, अब उत्तर प्रदेश गए हैं तो बाकी रहा साहब उत्तर प्रदेश भी बंठाधार करके आएंगे, क्योंकि जहां जहां जाते हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अच्छा, प्रियंका गांधी के लिए तो ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, आप नहीं मानते ये उनकी कामयाबी है? प्रियंका के लिए और सोनिया गांधी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और भूपेश बघेल एटीएम से ज्यादा नहीं है। छत्तीसगढ़ के पैसे से चुनाव लड़ा जा रहा है, छत्तीसगढ़ के लिए असम में पूरा के पूरे खर्च यहां से हुआ, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जितना पैसा बह रहा है वो छत्तीसगढ़ से लूट का पैसा जा रहा है, तो ये सीधा सीधा लूट का बाजार बना हुआ है और छत्तीसगढ़ के गरीब जनता की राशि का दुरुपयोग हो रहा है अन्य राज्यों के चुनाव में। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी उन्हें सिर्फ इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो पैसा ला पाते हैं। एटीएम है, मैं तो साफ साफ कहता हूँ, विधानसभा में भी मैंने कहा कि एटीएम के रूप में काम कर रहे हैं, पूरे वसूली यहाँ से होता है और जाता है दिल्ली और चुनाव में लगता है। तो वो पैसा जो लग रहा है वो वोटों को लाएगा? वोटों को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, और कांग्रेस की तो ये हालत है कि डूबती हुई नैया है। उत्तर प्रदेश में उनकी लड़ाई है कि चौथे स्थान में रहेंगे कि पांचवें स्थान में रहेंगे, इसके लिए लड़ाई है, सत्ता की कोई लड़ाई नहीं है। वो 10 के आंकड़े पार करते हैं या 10 के ऊपर रहते हैं या 10 के नीचे, इसकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में है, उससे ज्यादा कोई कल्पना उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए नहीं कर सकता। आप लोग क्या कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि वहां वेस्टर्न यूपी में किसान जो है वो घर तो जरूर जा चुके हैं लेकिन कुछ मन बना कर गए हैं, आपको लगता है कि वो आपकी सरकार ने जो 3 कानून वापस ले लिए उसका फायदा मिलेगा या मन बन चुका है? देखिए, किसानों के मन में गलतफहमियां थी कुछ, और उस गलतफहमी को दूर करने का प्रयास भी लगातार होता रहा, बैठकें होती रही, और अंत में सरकार ने किसानों के मन को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया कि ठीक है, ये 3 कानून वापस लेते हैं यदि इसमें भ्रम की स्थिति है। तो मुझे लगता है कि सारी गलतफहमियां दूर हो गई, अब वहां से वो भांगड़ा करते हुए गए हैं, खुशी के माहौल लेकर गए हैं, तो वातावरण अच्छा रहेगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो आप इसे किसानों का आंदोलन मानते हैं ना, इस पर आपकी राय क्या है? मतलब राकेश टिकैत की अगुवाई में ये जो आंदोलन हुआ है ये किसानों का आंदोलन था? नहीं, किसान उसमें जुड़े हुए थे और किसानों को भ्रम में डाला गया था। किन्होंने डाला भ्रम में? ये जो संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से जो इन्होंने संगठन बनाया, इन्होंने भ्रम की स्थिति पैदा की, और ये 3 कानून के बारे में जिस प्रकार की बातें की गई वो सरासर गलत थी, लोगों को, किसानों को भ्रमित किया गया, वो स्थिति 3 कानून किसानों के हित में था, मगर ठीक है, एक बार किसान सहमत नहीं था तो उसको वापस लिया गया। ABP News, आपको रखे आगे।